हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास नाइन इंग्लिश मीडियम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट टाइम हमने एक डिस्कशन हुआ था, उसमें हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन हम ग्राफ से देख कर सकते हैं, किस टाइप का आइडेंटिफाई करें कि कौन सी मोशन यूनिफॉर्म है कौन सी नहीं है। इस बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका था। आपको उसके मोशन के बारे में मोशन के बारे में देखिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो उसके फिर एग्जाम्पल देखे थे, एक मोशन भी किया था, स्पीड इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बी एवरेज अपॉन निकला था एवरेज अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आज तो टॉपिक हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम का टॉपिक किया था कि बी एवरेज। और अच्छे से देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक हार्ड एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्या होगा, तो थोड़ा समझते हैं। सपोज कोई पर्सन ए या कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है, कोई भी इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है, सब उसके तीन पार्ट में ट्रेवल करता है, सबको अलग अलग। यहां से जो स्टार्ट करता है पी इक्वल टू, यहां से यहां तक का जो टाइम है वो लगा सपोज 15 सेकेंड, यहां टाइम लगा 5 सेकेंड, ये डिस्टेंस है 20 मीटर या 60 मीटर। यहां से यहां चले, तो वो
बैंक स्पीड है 30, सो स्पीड है 6 टाइम 30 हो गया 180 मीटर। इसका मीनिंग क्या है? अब ये पार्टिकल का पहले वाला, ये पार्टिकल क्या अलग अलग स्पीड से चल रहा था, अलग अलग स्पीड से कैसे आप निकाल के चलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 60 इस रीजन के लिए, ए टू सी के लिए डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 15, स्टेबल के लिए कितना है डीसी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 60 अपॉन 15 4 से 4 मीटर पर सेकंड है ना। इसके लिए देखें तो 4 मीटर पर सेकंड, और इसके लिए देखें तो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इस यहां से यहां तक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और फिर यहां से यहां तक स्पीड इंक्रीज कर दी थी 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर अपने पार्टिकल को यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, तो मुझे इस जमीन में काम करना पड़ेगा, इस सारे चक्कर में काम करना पड़ेगा कि पहले स्पीड 4 मीटर पर सेकंड रखो, फिर 10 मीटर पर सेकंड रखो, तब जाके मैं वहां पहुंचूंगा उतने सेकंड में 30 सेकंड में वो सब नहीं। अब एक कॉन्स्टेंट स्पीड से किस कॉन्स्टेंट स्पीड से आप चलो कि आपको बाद में बदल करना पड़े और आप सेम टाइम पर पहुंच जाओ, तो वो स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये होता है एवरेज स्पीड। क्लियर? तो इस एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें और फिर उसके बाद बात करते हैं। एवरेज स्पीड जो आया, एवरेज स्पीड आया 6 मीटर पर सेकंड, आंसर से क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड अपने निकाल लिया। ठीक है, आंसर नोट करें, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा न्यूमेरिकल। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो तुम्हारा होमवर्क में होगा, मैं करके लाने वाला हूं। देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक पार्टिकल यहां से यहां तक 6 मीटर पर सेकंड से जाता है, उसका स्पीड है, स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, और यहां से ए टू सी की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। यहां से जब यहां जाता है पार्टिकल जाता है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम लेता है 10 सेकंड। तो क्वेश्चन है वी एवरेज क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपन को ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में जब प्रॉब्लम क्या आएगी देखते हैं, ए टू सी और सी टू बी दो क्वेश्चन को अपन को देखना है। अपन को पता है कि वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे पता है 60 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे नहीं पता क्योंकि यहां पर स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। देखो किस स्पीड में चला 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में किस स्पीड, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 5 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना किया होगा 50 मीटर है ना। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 50, टोटल ए टू बी की डिस्टेंस कितनी 60 प्लस 50 110 टोटल डिस्टेंस। अपन टोटल टाइम टाइम की बात करें कि 6 मीटर पर सेकंड से चलाया, तो ट्रैवल कितना करना है, तो ट्रैवल करना है 60 मीटर, मतलब हर सेकंड ये 6 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो बताओ 60 मीटर ट्रैवल होने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड है ना। इजीली आप लोग अगर टाइम को लेकर जाओ स्पीड को लेकर जाओ तब भी न्यूमेरिकल यहां से फॉर्मूला निकल सकता है, तो बेसिकली आप इजीली दे सकते हो ना, फिर कैलकुलेट हो सकता है कि ये डिस्टेंस तो क्या है 50 मीटर। आंसर मुझे बता दो, ये डिस्टेंस आ रही है 50 मीटर आ रही है ना, और यहां से यहां तक जब टाइम आएगा तो टाइम कितना जाएगा 60 अपॉन 6 10 सेकंड, क्योंकि 6 मीटर 1 सेकंड में 6 मीटर को कितना ट्रैवल करना है 60, तो 6 के टेबल में 60 कौन से नंबर पर आता है 10 नंबर पर आता है सेकंड।
5.5